हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालन किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। हरियाणा में मछली पालकों को अब केंद्र की सब्सिडी का इंतजार नहीं करना होगा। ये घोषणा आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है। दरअसल सिरसा में आज सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होगी तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की भी घोषणा की है। इससे यहाँ का झींगा मछली पालकों को सीधा लाभ होगा। दरअसल सीएम मनोहर लाल आज सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गाँव में आयोजित झींगा किसानों के कार्यशाला में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने मछली की खरीद व बिक्री के लिए झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार से कई बार सब्सिडी लेट हो जाती है, हमने तय किया है कि केंद्र सरकार की सब्सिडी उसको हम एडवांस में हरियाणा सरकार की ओर से देंगे। जब भी कोई उधर से आएगी उसको हम उसमें एडजस्ट करेंगे, आपकी सब्सिडी में देरी नहीं होने दी जाएगी। कि हमारा जो कृषि का काम है ये अभी बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। तो हम अगर कृषि के काम को आत्मनिर्भर बना लेंगे और अच्छी आय का बना लेंगे तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, कृषि अगर आत्मनिर्भर है तो भारत आत्मनिर्भर है। हमारे यहाँ समुद्र जैसा प्राकृतिक जल स्रोत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे गांव के तालाब हों, चाहे खेतों में तालाब हों, प्राकृतिक तालाब हों या कृत्रिम तालाब हों, या फिर पानी जो शोरे वाला पानी है, ये जो खारा पानी है, इसका उपयोग करके जो मछली का ये पराक्रम शुरू हुआ है ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि मछलियां विशेष प्रकार के जल में ही आगे उनका उत्पादन करना संभव है। इसके लिए एक बात मंत्री जी ने रखी कि एक लैब होनी चाहिए खारे पानी का, जो भी पानी है उसका टेस्ट करने के लिए, या अन्य जो भी बीमारी है अथवा फीड की टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग के लिए एक लैब होनी चाहिए। अभी शायद यहाँ के किसानों को रोहतक के पास एक गांव है, वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मैंने वादा किया है कि इस प्रकार की एक लैब मछली के उत्पादन के नाते इन चीज़ों का जो भी टेस्टिंग का फैसिलिटी वो सिरसा में एक शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। सीएम ने कहा कि मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक और बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत का एक बड़ा विषय है। फिलहाल सरकार जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लॉट पर सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति हार्स पावर 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 2,00,000 रुपए तक हो सकती है। बता दें कि सीएम खट्टर ने कहा कि भिवानी के गरवा में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ये एक्वा पार्क 25 एकड़ में होगा। उन्होंने कहा यहाँ पर मछली पालन से जुड़े नए शोध भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ अगले 3 वर्ष तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस तरह के प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देगा। भारत इसके लिए मछली पालन से जुड़ी नई नई तकनीक पर कार्य कर रहा है। सिरसा से सत्ताम सिंह, पंजाब के केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।